हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जॉब्स एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे रिटेल टर्म सीरीज में क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी, यानी कि शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग जो फूड्स का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेरिशेबल फूड आइटम्स के बारे में। पेरिशेबल फूड आइटम्स बेसिकली बहुत ही शॉर्ट शेल्फ लाइफ के प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी जो शेल्फ लाइफ है वो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिनों तक होती है, और इसे आप रूम टेम्परेचर पे अगर रखते हैं तो ये 1-2 दिन के अंदर ही ख़राब होने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, अदर वेजिटेबल और फ्रूट्स को ले लें आप, फ्रेश मिल्क, मीट, फिश, सम ऑफ द बेकरी आइटम्स को ले लें, ये सारे जो हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर आप पेरिशेबल गुड्स को थोड़ा और ज़्यादा लंबे समय तक रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, सो दैट कि ये 1-2 दिन इनकी शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेमी पेरिशेबल आइटम्स के बारे में। सेमी पेरिशेबल आइटम जो है पेरिशेबल आइटम्स के कंपैरिजन में इनका जो शेल्फ लाइफ है कुछ ज़्यादा होता है, नॉर्मली 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक। कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो अप टू 1 और 2 मंथ तक भी ठीक रह जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो पेरिशेबल आइटम्स से थोड़ा ज़्यादा दिनों तक ठीक रहते हैं उन्हें हम सेमी पेरिशेबल गुड्स कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कुछ वेजिटेबल्स जो लाइक पोटैटो को देख लें, अनियन, गार्लिक, जिंजर या फिर याम वगैरह, ये सब जो है रूम टेम्परेचर पे 2-3 सप्ताह तक अप टू 1 और 2 मंथ तक भी ठीक रह सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम सेमी पेरिशेबल आइटम्स कहेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों हम नॉन पेरिशेबल आइटम्स के बारे में। नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स जो हैं बेसिकली इनको लंबे समय तक, लंबे टाइम तक आप रूम टेम्परेचर पे अगर प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कई महीनों तक या फिर 1 से 2 साल तक भी अगर रूम टेम्परेचर पे हम रखें तो ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम नॉन पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं। बेसिकली जो ड्राई आइटम्स होते हैं, चाहे वो स्टेपल्स के हों, राइस, दाल, कुकिंग ऑयल्स ले लें, मसाला ले लें, ये सारी चीज़ें, या फिर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को देख लें, जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं या कैंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे जो है 1 से 2 साल 3 साल तक भी अगर रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट को हम नॉन पेरिशेबल गुड्स कहेंगे। तो दोस्तों आज के इस रिटेल टर्म्स सीरीज़ में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने रिटेल फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.